सुप्रभात बच्चों, तो मैं आपकी हिंदी शिक्षिका, तो आप सभी को ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। इससे पहले हम लोग पढ़े थे प्यारा घर, यानी कि घर के बारे में हम सब पढ़े थे। वो आपका पाठ है जो आपके किताब में आप देखिएगा कि वो पढ़ने के लिए दिया गया है। कविता पठन हेतु है, पढ़ने के लिए है। और आज फिर से मैं आपको कहानी पढ़ाऊंगी। तो कहानी में है वो चित्र वर्णन है, चित्र को देख करके आपको, चित्र वर्णन के मतलब होता है चित्र को देख करके क्या करना, वर्णन कर रहे जो चित्र, इसी के बारे में हम लोग बातें करेंगे। तो आपका है चित्र वर्णन, यानी कि चित्र देखिए, ये हाथी बना हुआ है, ये हाथी है, ये बंदर है, ये डक है, बत्तख है, और ये कौन है, ये भालू है, इसको बेगे तोता है। तो ये चित्र को देख करके हम लोग क्या करेंगे, चित्र के बारे में हम सब पढ़े। आप अपनी पुस्तक को निकालिए और आप अपनी कॉपी को भी निकाल लेंगे। कोई कोई शब्दों का मैं आपको अर्थ बताऊंगी, इसको आप लिखे ते जाएंगे। तो चित्र वर्णन में शीर्षक है जंगल की हाट। क्या है? जंगल की हाट। जंगल तो सभी आदमी जानते हैं, पेड़ पौधे जानवर जहां रहते हैं उसको हम कहते हैं जंगल। और हाट का मतलब होता है बाजार, यानी कि पेठिया। तो ये जो हम कहानी पढ़ेंगे वह कहाँ के है? जंगल के हाट, यानी कि जंगल का बाजार का। तो उससे हम लोग पढ़े मिट्टू खरगोश को, पढ़े थे वो भी जंगल के बारे में था, और जंगल के पशु पक्षियों के बारे में ही हम लोग पढ़े थे। तो इसमें हम पढ़ लेंगे हाथी है। क्या है? ये हाथी है, ये हाथी है, देख रहे हो, ये बंदर है। तो क्या कर, ले लो मीठे मीठे गन्ने, ले लो गन्ना। किसको कहते हैं? ईख को। जो हमारे आपके खेत में देखो, ये हाथी जो है वो क्या कर रहा है, वो गन्ना बेच रहा है। मीठे मीठे गन्ने ले लो। बाजार आप जाते हैं, हाट जाते हैं, वहां पे देखते होंगे कि सब्जी वाला फल वाला कैसे चिल्लाता है, ले लो सब्जी, ले लो मीठे मीठे फल, ले लो रंग बिरंगे खिलौने, ले लो। तो आप देखते हैं उसी तरह से ये हाथी जो है, वो हाथी गन्ने बेच रहा है। और ये देखो, ये क्या है, ये है बंदर। अब बंदर को क्या पसंद है? मीठे मीठे केले। तो ये बंदर बोला है, ओहो पक्के केले अमरूद मीठे ले लो। और ये बंदर है, देखो यहाँ क्या लिखा है, ये केला है और ये क्या है, अमरूद। ये बंदर क्या बेच रहा है? ये बंदर जो है केला और अमरूद बेच रहा है। हाथी क्या बेच रहा है? हाथी बेच रहा है गन्ना। अरे यहाँ लो गाजर, लो गाजर नरम नरम मीठी गाजर। अरे क्या बोल रहा है ये जो है वो मीठे मीठे गाजर बेच रहा है। पक्के पक्के तरबूज ले लो, मीठे मीठे तरबूज ले लो, देखो गिलहरी तरबूज बेच रही है। और ये देखो बत्तख को देखो, और ये कौन सा जानवर है? तो ये कौन सा जानवर? ये है लोमड़ी। और ये बत्तख देखो, ये क्या बच रही है, ये बेच रही है तरबूज। और ये बेच रहा है, ये खेत जो है ये क्या, ये गाजर बेच रहा है खरगोश। और ये बेच रहा है गिलहरी है, ये भी फल ली हुई है। तो देखो यहाँ पर, आप फिर यहाँ देखिए, ये देखो कितना सुंदर, क्या बेच रहा है, शहद। तो भालू को शहद बहुत पसंद होता है, ये भालू शहद बेच रहा है। शहद ले लो मीठा मीठा असली शहद। क्या शहद खाए कभी? शहद मधु, ये मधु बहुत मीठा होता है। और वो कैसे बनाया जाता है? तो मधु को जो मधुमक्खियां है वो फूलों के रस लेकर के शहद बनाती है। तो ये शहद बेच रहा है, भालू को शहद बहुत पसंद है। यहाँ देखो, ले लो मीठे रसीले आम, तीखी तीखी मिर्ची ले लो। अब देखो ये तोता जो है वो मीठे रसीले आम बेच रहा है। और तोता को क्या पसंद है बताइए? तोता को हरी मिर्च बहुत पसंद है। तो ये तोता जो है वो हरी मिर्च
बेच रहा है। देख रहे जिस तरह से चित्र दिया है, चित्र ये वर्णन का मतलब होता है, चित्र के देख करके वर्णन करना, उसके बारे में बताना। तो उससे संबंधित जो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कहानी पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से चित्र बना करके आप लोग कहानी भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका, इसी में से देख करके बहुत सुंदर बनेगा। फिर यहाँ देखिए, बढ़िया, ज्वार बाजरा ले लो, ज्वार बाजरा ले लो। ये जो जानवर है वो क्या बेच रहा है, ज्वार बाजरा बेच रहा है। और नीचे देखो, तोता को, चिड़िया को, गिलहरी को, ये जो सभी जानवर है वो सब क्या कर रहे हैं, ये जानवरों का बाजार कहाँ लगा है, तो जंगल में लगा हुआ है। और सभी जानवर जो है वो क्या कर रहे हैं, अपना अपना सामान बेच रहे हैं। तो आप सब इस पाठ को अच्छे से देखे हैं, किस प्रकार से जानवर है, पशु पक्षी है, वो खाने पीने की चीजें बेच रहे हैं। तो इसमें पशु पक्षी है उसको जो भी उसके स्वभाव को इस पाठ में दर्शाया गया है। तो आप सब इस पाठ को पढ़ करके आप सबको आनंद आया होगा। तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ अगले कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।